करते हैं तो वजह साफ है दोस्तों, क्योंकि हमने एक मजबूत काम की शुरुआत की है तो मजबूत परिणाम भी हमारे पास में आने वाले हैं। हालांकि ये परिणाम अचानक नहीं आते हैं, वक्त देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, तब ये चीजें हमारे जीवन में आ पाती है। तो जब हमें डायमंड क्लब के माध्यम से ही डायमंड जाना है तो इसके लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा, थोड़ी बातचीत उन चीजों की हम सारे के सारे लोग करेंगे। तो देखिए, जब हम व्यापार में आते हैं तो व्यापार के लिए मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा वर्ड होता है कि हम चीजों को कितना बेटर तरीके से मैनेज कर पाते हैं, अपने आप को कितने बेटर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। और मैनेजमेंट ही वो चीज है जो जिंदगी को आसान बनाती है। आप अपने बिजनेस को सही तरीके से मैनेज ना कर पाए, फैमिली को सही तरीके से मैनेज ना कर पाए, बच्चों को सही तरीके से मैनेज ना कर पाए तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। और किसी भी चीज को मैनेज करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है, एटलीस्ट एक विजन हमारे पास में होना चाहिए, उसके बाद में एक मिशन हमारा होना चाहिए। आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, वजह साफ है, आपके पास एक मिशन है बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक विजन है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तब आप क्या करते हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हम हमारे बच्चों को किस तरह से पढ़ाएं और देन एक्शन प्लान हम लेना शुरू करते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है बिजनेस मैनेजमेंट में, हमारे पास होना चाहिए एक विजन, तब बनता है हमारा एक मिशन, तब आती है हमारे पास में स्ट्रेटेजी और तब हम काम शुरू करते हैं एक्शन प्लान को बना के। तो ये एक्शन प्लान हमारा क्या होना चाहिए, आज मैं उस चीज के ऊपर आपसे बात करना करने वाला हूँ। तो हालांकि आप में से बहुत सारे लोग बहुत अनुभवी हैं इस बिजनेस में, बावजूद इसके में छोटी छोटी बुनियादी चीजें जो इस बिजनेस में आपको कामयाब बनाने के लिए चाहिए होती है उन चीजों पर बात करने वाला हूँ। तो आपने एक चीज देखा होगा कि आरसन बिजनेस में हम तेज गति से आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, ये सवाल बहुत सारे लोग आपसे करते हुए मिलते हैं कि सर मैं मेहनत तो कर रहा हूं, मेरा विजन भी क्लियर है, लेकिन मैं तेज गति से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं। ये सवाल किसी बड़े लीडर के भी हो सकते हैं और ये सवाल किसी शुरुआती डायरेक्ट सेलर्स के भी हो सकते हैं। ये बिल्कुल मैं स्पष्ट आपको कर देना चाहता हूं, क्योंकि तेजी की डिमांड हर किसी की होती है। यदि मैं आज इस बिजनेस में सफायर हूं तो मेरी भी सोच कहीं ना कहीं तेजी की होती है, और जो व्यक्ति इस बिजनेस में 5,000 7,000 10,000 के लेवल पे हैं उनके दिमाग में भी ये बात कहीं ना कहीं चल रही होती है कि आरसे बिजनेस में हम तेज गति से आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं जितना कि हमें बढ़ना चाहिए या फिर जितना हम दूसरों को बढ़ते हुए इस बिजनेस में देखते हैं। तो वजह साफ होता है दोस्तों कि हमें थोड़ा सा रुक के इसके ऊपर सोचना है, और सोचेंगे जब तो ही समाधान निकलते हैं। आज आपने देखा ना दूध वाली एग्जाम्पल, सोचने के बाद ही समाधान निकला, और सोच कौन पाया, जिसके पास में सोचने की क्षमता थी। तो ये सोचने की क्षमता इस तरह के ट्रेनिंगों में बैठने के बाद आपके अंदर अपने आप आती है, सीखने और काम करने के बाद अपने आप आती है। तो पहली बात जो मैं आप सभी लोगों के बीच में करना चाहता हूं कि देखिए, पहली चीज इस बिजनेस में आगे ना बढ़ पाने का तेज गति से, क्योंकि देखिए समटाइम जब हम किसी को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं ना तो कई बार लोग जो होते हैं वो हमारी बातों को सुनते नहीं है, मानते नहीं है या फिर समझते नहीं। कारण क्या होता है, कारण बड़ा ही स्पष्ट है, और वो स्पष्ट कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने कई बार देखा होगा कि जब आप किसी को कुछ बताने की कोशिश करते हैं तो कई बार आपकी बातों को लोग ना मानते हैं ना सुनते हैं, और वो क्यों नहीं, क्योंकि उनको लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, मैं बिजनेस में बढ़ ही रहा हूं, मेरा बिजनेस 1 साल पहले इतना था, 1 साल बाद इतना हो गया, या 2 साल पहले हम इस लेवल पे थे अब इस लेवल पे आ गए, या इनकम वहां थी अब यहाँ पे आ गई, तो ऐसे में उनको लगता है कि मैं बढ़ रहा हूं। लेकिन बढ़ना किसको बोलते हैं, क्या ऐसी तरक्की को तरक्की बोलते हैं कि कब हो गया पता ही नहीं चला। जैसे बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं हमारे आंखों के सामने, वो कब बड़े हो गए पता नहीं चला, इसको तरक्की नहीं बोलते। तरक्की किसको बोलते हैं, आज आपने देखा था किसी जगह पे खाली प्लॉट पड़ा हुआ था, 10 दिन बाद आप वहां गए, वहां पे बिल्डिंग आपको खड़ी मिलने लगी, किसको बोलते हैं ग्रोथ। क्या अचानक से बहुत सी चीज बदली बदली आपको मिलने नजर आती है, मिलती नजर आती है, तो ऐसी स्पीड आपको चाहिए, तो इसके लिए ट्रेनिंग मस्ट है, और इसी सीरीज में कड़ी में हम आगे बढ़े। तो पहला कारण, हमें जिस तरह से इस बिजनेस में काम करना चाहिए हम उस तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। और दूसरा दूसरा ये है कि जो बातें हमें सीखनी चाहिए वो हम सीख नहीं पाते इस बिजनेस में।
देखिए मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूंगा, आपके आपकी शादी हो गई हो, आपके बच्चे हो गए हो, तो आप में से कोई व्यक्ति ये बताइए कि आपने अपने बच्चों को क्या क्या सिखाया और कब तक सिखाया, जवाब दे सकते हैं? एनीवन, कोई भी व्यक्ति? मेरी आवाज आ रही है सर आप लोगों तक? जी जी आ रही सर। तो बच्चे को हम लोग क्या क्या सिखाते हैं सर? बच्चे को सर सर बोलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, उनको मैनर सिखाते हैं, कैसे उठना है, कैसे सिखाते और कब तक सिखाते हैं सर? लगातार जीवन पर्यंत सिखाते हैं और जीवन पर्यंत सिखाते रहते हैं, और हमें अंदाजा भी नहीं होता है कि हमें क्या क्या सिखाना होता है। आपने आपको ऐसा लगता है कि हम चलने से उसकी शुरुआत करते, नहीं, आपको याद होगा आंख खोलना भी आप ही सिखाते हैं, मुंह खोलना भी आप ही सिखाते हैं, आंख बीचना भी आप ही सिखाते हैं, मतलब क्या क्या आप नहीं सिखाते आपको पता ही नहीं, और इस सिखाने की प्रक्रिया में आप इतने मतलब तल्लीनता से काम करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता, आभास ही नहीं होता है कि एक नन्हे से बच्चे को आपने बड़ा बनाने के पीछे कितनी सारी चीजें सिखाई या फिर उसे सीखनी पड़ती है। बिल्कुल उसी तरीके से जब हमें व्यापारिक जगत में बड़ी कामयाबी चाहिए होती है तो किसी एक दो या दस घटनाओं को सीख के या बातों को सीख के हमें हमारा ये सोच लेना कि हम बहुत कुछ सीख गए हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूल होती है हम लोगों के लिए। और हमें क्या क्या सीखना और कब तक सीखना है, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं इस इंडस्ट्री में, क्योंकि जब तक आप अपने आप को अपडेट करते रहेंगे तब तक इस बिजनेस में तेज गति से आप सारे के सारे लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, रुकिए और सोचिए, और पहली चीज क्या सोचनी है कि हमें इस बिजनेस में किस तरह से काम करना चाहिए, और दूसरी चीज हमें जो देखनी है वो ये देखनी है कि क्या क्या सीखना चाहिए हमें इस बिजनेस में। यदि ये दो चीजों से आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली आपकी रफ्तार और उससे ज्यादा तेज हो सकती है। तो तेज गति से आगे ना बढ़ पाने के पीछे ये दो मुख्य वजह मैंने देखी है, और इनका हम समाधान कैसे निकाल सकते हैं, आज कुछ मुद्दों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं, जब हम काम करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट रेशियो हो वो ज्यादा से ज्यादा बेटर कैसे हो, हमारा वर्किंग रिजल्ट जो हो वो ज्यादा से ज्यादा बेटर कैसे हो, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो जाता है कि सामने वाले व्यक्ति से हाँ करवाना। क्योंकि देखिए सामने वाले व्यक्ति को हम एग्री करवाने में जितना ज्यादा सक्सेस होंगे हमारे पास रिजल्ट्स उतने ज्यादा होंगे, हमारा वॉल्यूम उतना तेजी से बढ़ता चला जाएगा। और हाँ करवाने में कोई एक बात नहीं है, आप प्लान दिखा के ज्वाइनिंग के लिए हाँ करवा सकते हैं, प्रोडक्ट दिखा के रिटेल के लिए हाँ करवा सकते हैं, आप उनसे काम करवा सकते हैं, आप उनको इस बिजनेस का रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप उनसे कर सकते हैं। एक व्यक्ति को यदि आप अपने साथ लेके चलने के लिए तैयार हो जाते हैं तो दिक्कत बस एक ही आती है कि वो कब आपके मानेगा, कब आप उनकी मानेंगे, और इस प्रक्रिया में हम कई बार बहुत पीछे हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे कई लोग दिन भर काम करने के बाद भी बहुत बड़े परिणाम को लेकर नहीं आ पाते हैं, वजह साफ होती है क्योंकि सामने वाले को हाँ करवाने की कला उनके अंदर हो ही नहीं पाती है, क्योंकि इस चीज को वो सीख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, या फिर यूं कहें कि समझने में एक बहुत ज्यादा टाइम वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजों पर काम करके बड़े बड़े परिणामों के ऊपर फोकस किया जा सकता है। और वो छोटी छोटी चीजें क्या है दोस्तों, सामने वाले व्यक्ति से हाँ करवाने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। पहला तरीका है, जब आप एक व्यक्ति के सामने बैठ के प्लान दिखा रहे हो, प्रोडक्ट दिखा रहे हो, कंसेप्ट दिखा रहे हो, कुछ भी दिखा रहे हो, तो सबसे पहले अपने माइंडसेट में ये बात डाल लीजिए, पॉइंट नंबर वन, सामने वाले व्यक्ति को हमें पूरा सुनना है। कई बार हमसे क्या होता है, बीच में टोक देते, और सामने वाला व्यक्ति क्या होता है, मैं आपको दिखाऊं, ये ग्लास, क्या है ये ग्लास है, अब इसकी पानी में पी रहा हूं, अब ये पहले से ज्यादा खाली होगी, तो सामने वाला वो व्यक्ति जितना बोलेगा उतना वो खाली होता चला जाए। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि यदि बीच में हम बोल दिए ना तो वापस वो भर जाए। एक गजब की चीज होती है कि जब तक आप व्यक्ति को पूरा नहीं सुनेंगे वो खाली नहीं होगा, पूरा सुन लेने के बाद जब ये एक बार ग्लास खाली हो जाएगा तो दोबारा भरने का फार्मूला इसके पास में नहीं होता है। लेकिन बीच बीच में जब आप टोकते रहेंगे तो ये ग्लास अपने आप को भरना जानता है। बिल्कुल उसी तरीके से आप जब भी किसी व्यक्ति के सामने बैठे, मकसद साफ आपका होना चाहिए। देखिए हम अपने आप को साबित करने नहीं गए, काबिलियत दिखाने नहीं गए, हमारा एक ही मकसद है, वो हमारी बात को मान जाए,
वो हमारी बात को सुन ले और जिस चीज के लिए हम गए हैं वो बात ओके हो जाए, तो इसके लिए जरूरत है सबसे पहले सामने वाले को पूरा सुने और ध्यानपूर्वक सुने। दूसरा, सामने वाले को खाली करें, उनको अपनी बात पूरी करने दे, बीच में कभी भी ना टोके। जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा था कि जब तक वो खाली नहीं होंगे, बीच में टोकने के बाद क्या होगा, वापस भर जाएंगे। तो कई बार जब हम प्लान दिखाने जाते हैं, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है और हम शुरू हो जाते हैं, फिर हमारा मकसद उसको ज्वाइन करवाना नहीं रह जाता है, फिर हमारा मकसद उसको गलत साबित करना या फिर यूं कह लीजिए कि उसको उसके नॉलेज के लिमिटेशंस को दिखाना, हमें हमारी पात्रता को दिखाना कुछ ऐसा हो जाता है। मैं बार बार आपसे एक ही चीज कहूंगा कि जब आप किसी प्रोजेक्ट को लेकर एक व्यक्ति के सामने बैठिए, आपके दिमाग में बस एक ही बात होनी चाहिए, हमें हमारे प्रोजेक्ट पे यस करके इस व्यक्ति के साथ में उठना है, एक ही काम करना है कि इस व्यक्ति से यस करवाना है। और उसके लिए तरीका क्या है, बातचीत में आप जब भी बात कर रहे हो तो टोकिए मत, बीच में टोकने से ना उनको और एनर्जी मिल जाती है। आप यूं समझ लीजिए कि एक भूखा व्यक्ति को आपने चॉकलेट पकड़ा दिया, यदि आपने बीच में बोल दिया तो फिर वो और एनर्जेटिक होके और बोलेगा और इतना बोलेगा जब तक कि आप भाग नहीं जाते। तो मतलब अपनी बात सुनाने का सबसे बेहतर तरीका है कि उनको खाली करने दे और पूरी बात करने दे, बीच में कभी ना टोके। ना टोकने से क्या होगा, कई बार ऐसा होगा आपके साथ में कि 30 मिनट 40 मिनट तक वही व्यक्ति बोलता रहे, लेकिन हाँ एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वो खुद ही आपको बोलेगा कि सर कमाल हो गया, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, मैं ही बोले जा रहा हूं। जबकि बोलने तो आप आए, बड़े ही मधुरता से उनको बोलिए कि नहीं सर, आपको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, आपके अनुभवों का कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और इससे क्या होगा, आपने एक फुहार दी, हल्की पानी की फुहार दी उस व्यक्ति को, जिससे क्या होगा वो व्यक्ति अब आपको मौका देगा कि नहीं आप बोलो। और जब आप बोलेंगे ना बड़े ध्यानपूर्वक, वो आपकी बातों को सुनेंगे भी, समझेंगे भी, मानेंगे भी। देन सामने वाले की बात में सहमति दिखाएं एवं अपनी बात रखें। कई बार हमसे क्या होता है ना, सामने वाला बहुत सारी बातें गलत बोलता है, यार ये नेटवर्किंग लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है, ये है ये है, किट ढोने का काम, प्रोडक्ट ढोने का काम, ये कहाँ फंस गए, ये वो सारी चीजें। तो देखिए हम में से कई बार ना बातों को लोग ईगो पे ले लेते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति से मिले तो उनकी बातों को आप ईगो पे लीजिए। आप सहमति दिखाइए और सहमति दिखाने के साथ साथ अपनी बातों को रखना सीखिए। जैसे आप कहीं व्यक्ति को प्लान दिखाने गए, अब वो आरसीएम सुन के ही आपको समझाना शुरू कर दिया और कुछ नहीं मिला तुमको, इतना अच्छा बिजनेस चल रहा था, इतनी अच्छी नौकरी चल रही थी, कहाँ इसमें दिमाग लगाने लगे, कुछ नहीं होता, मैंने कईयों को देखा है। तो अब आप जब काटने लगेंगे तो तरीका क्या होगा कि आपने जो भी देखा है वो गलत देखा है, आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं पता, आपने निकम्मों को ही देखा है, काम वालों को देखा कहाँ है, इस तरह से हम बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा बोलना बिल्कुल उचित नहीं है। सामने वाले से आप अपनी बात तभी मनवा सकते हैं जब आप उनकी बातों में अपनी सहमति दिखाए। और उसके लिए तरीका क्या होगा कि सर जो आपने देखा होगा बिल्कुल सही देखा होगा, आप जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल आपने आप जो कर रहे हैं ना वो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और जो आप सोच रहे हैं ना, कुछ महीने पहले हम भी एक लंबे टाइम तक सोचते रहे, कई महीने, हम बोलते हैं कि सर मैं आपसे ज्यादा निगेटिव था इस विषय में, सर आप तो एकदम समझ लिए, कुछ समझ भी रहे हैं, हम तो इससे भी ज्यादा वो थे सर। हाँ बिल्कुल जी। तो ये बोलने से ना वो आदमी आपको अपना भाई मानना शुरू कर देता है, यार ये तो हमारे जैसा ही था। तो वो फिर उसके दिमाग में सवाल आएगी कि मतलब फिर कैसे आप आरसीएम करने लगे, तो उनको बताइए कि कैसे आपकी गलतफहमी दूर, कैसे आप उनकी गलतफहमी दूर करेंगे, इस पे फोकस आपका नहीं होना चाहिए, कैसे आपकी गलतफहमी दूर हुई, ये बात सलीके से आप सामने वाले के पास में रखिए, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी बातों से या आपके अनुभवों से ही सारी चीजों को सीख जाएगा और आपको अपनी बात को रखने का मौका मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 4, कभी भी एक व्यक्ति के पास हाँ करवाने के लिए यदि आप बैठे हैं, उसके ईगो को चोट मत पहुंचाइए। कई बार मुझे जब शुरुआती दिनों में मैं काम करता था, मुझे आज भी याद है कि जब प्लान दिखाने बैठता था और कोई व्यक्ति मतलब उल्टा सा बातचीत किया करते थे तो कई बार मुझे भी गुस्सा आता था और मैं ना सामने वाले की औकात दिखा देता था। जब मैं इस बिजनेस कार्यवर्टी वगैरह था, मुझे आज भी याद है कि कई लोग बोलते थे कि ये बेकार लोगों का काम है, ये काम है, तो मैं ना
उसकी जूते से लेके उसके बालों तक पहुंच जाता था, उसकी औकात दिखा देता था कि तेरी वैल्यू क्या है, तू आज ऐसे बोल रहा है, तुमको मालूम भी है कि किसके सामने बोल रहा है, सामने वाला कितना पैसा, क्योंकि उस जमाने में 25,000 रुपये मैं महीने कमाता था जो एक IAS ऑफिसर की सैलरी होती थी, मतलब आज की 25,000 और आज से 15-17 साल पहले के 17 साल पहले के 25,000 में बहुत फर्क है दोस्तों। तो कई बार जब मैं खुद भी बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं था तो ये मेरे से होता था कि देखिए मैं कन्विंस तो कर देता था कि जो तूने बोला वो बिल्कुल गलत बोला, लेकिन उसके ईगो को चोट पहुंचाने की वजह से वो व्यक्ति हर हमेशा के लिए मेरे हाथ से खत्म हो जाता, वो बस यही सोच लेता था कि कुछ भी हो इसके साथ तो काम नहीं करना। तो देखिए ऐसी जीत हासिल करने का कोई फायदा नहीं है। आपने कई बार मूवीज में देखा हो कि हीरो पक्ष विलेन पक्ष दोनों फाइट करते और फाइट करते करते ऐसी स्थिति आ जाती है कि दोनों ही मर जाते, कोई नहीं बचता दोनों तरफ। तो आप बताइए ऐसी लड़ाई का कोई फायदा जिसमें कोई बचे ही नहीं। तो हमें ऐसी लड़ाई से बचना है, किसी के भी ईगो को चोट नहीं पहुंचाना, और ईगो को चोट आप तभी नहीं पहुंचा पाएंगे जब उनकी बातों को आप काटेंगे नहीं, उनका मानेंगे तो ही वो आपका मानेंगे। आप यदि उनको गलत साबित करेंगे तो वो हम हमेशा एक फिराक में रहेंगे कि वो भी आपको गलत साबित करने में लग जाए। तो देखिए बात बनवाने का सिंपल सा तरीका है कि आपके विषय में वो गलत भी बोल रहे हैं ना, मान जाइए, क्योंकि वो अभी क्या कर रहे हैं उसके ऊपर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आपका फोकस तो इस बात पे होना चाहिए आप गए किस लिए उनके पास, आप उनको ज्वाइन कराने गए हैं, आप सेल करने गए हैं, तो वो चीज आपके दिमाग में हमेशा बना रहना चाहिए। और उसका बेटर तरीके, जैसे कई बार ये होता था कि मैं किसी ऐसे फैमिली में चला जाता था जिनको कि मेरा RCM नागवार गुजरता था, वो लोग बोलते थे यार आपने जो साबुन दिया था ना उसे खुजली होने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा। मैं बहुत ज्यादा कन्विंस करने में नहीं लगता था, मैंने कहा देखिए उससे अच्छा प्रोडक्ट मैं अभी आपके पास में लेके आया और अभी मैं शैम्पू लेके आया हूँ और ये कमाल का है, और क्योंकि देखिए मैं जानता था कि वो जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, उनको वो प्रॉब्लम हमारे प्रोडक्ट से नहीं हो सकती है जो वो बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमसे बचना चाहते हैं, लेकिन ये बचने का मौका हम उनको क्यों दें, हम क्यों उसी साबुन के पीछे पड़े रहे जिसको उन्होंने गलत कह ही दिया है, तो फिर हम सही साबित करने में क्यों लगे। चलिए हम शैम्पू की बात कर लेते हैं, टूथपेस्ट की बात कर लेते हैं, या किसी और की बात कर लेते हैं। तो जब हम उनका मानेंगे तभी वो हमारा, बस सिंपल सा, ठीक है मैं नोट कर लेता हूँ। मैं बोलता था कि रैपर है क्या आपके पास में, अब वो लोग खोजने लग जाते थे तो साबुन का रैपर कौन रखता है, तो कई लोग ऐसे भी होते थे जो साबुन को यूज किए ही बिना खराब बोल देते थे ताकि ये दोबारा हमारे पास ना आए। तो ऐसे लोग क्या करते थे, साबुन को अंदर जाके खोल के निकालते थे और रैपर लेके आते थे, मैं उनके सामने बकायदे डेट, टाइम, मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैचेज, ये सब चीज नोट करता था, और नोट करने के बाद बोलता था कि मैं ये शिकायत कंपनी तक भेजूंगा ताकि आगे ये प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े। अब देखिए मैं क्या बोलता था, आगे ये प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े मतलब क्या है, कल को भी आपको यही साबुन लेना पड़ेगा, ये मैंने आज ही बेस बना दिया है, मतलब आप तो सोच रहे हैं ना कि पीछा छोड़ दूंगा आपका, तो तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिया वाला गाना मैं हमेशा दिमाग में गुनगुनाते रहता था। तो जब हम उनका मानेंगे तो वो हमारा मानेंगे, मान लिया साबुन खराब है लेकिन ये शैम्पू उससे ज्यादा बेहतर है, शैम्पू खराब है ये सर्फ उससे ज्यादा बेहतर है, सर्फ खराब है ये आटा उससे ज्यादा बेहतर है, आटा खराब है ये दाल उससे ज्यादा बेहतर है, दाल खराब है ये ऑयल उससे ज्यादा बेहतर है, आगे बढ़ेंगे। लेकिन कब ऐसा हो पाएगा, जब उनकी मानेंगे सुनेंगे। अब हमने पहले ही पकड़ लिया, आप ही एक साबुन लगाते हैं, करोड़ों लोग यूज करते, आज तक किसी की शिकायत नहीं आई, आप ही की आई, अब क्या है आपने उनका ना सुना ना माना, और इससे क्या होगा, अब वो आगे आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर हाथ नहीं रखेंगे। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां होती है हम नए लोगों से, क्योंकि आपने अभी एक करियर की शुरुआत करी है तो इन गलतियों से आपको बचना है, मान लेना है, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे कि ऐसा होता नहीं, बोलना है कि सामान्य तौर पे तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपने जब महसूस किया है तो मैं इस बात को, आपकी बात को कंपनी तक पहुंचाऊंगा। वो व्यक्ति आप देखिए उसके पास खाने का खर्च नहीं है और वो सुनेगा कि मेरी बात को कंपनी तक भेजा जाएगा, तो वैसे ही वो फूल के कद्दू हो गया। उसके बाद मतलब उसकी बीवी उसकी तारीफ नहीं करती और आपने तारीफ कर दी उस व्यक्ति की, तो वो कितना खुश महसूस करेगा अपने आप को। बच्चे उसकी शिकायत करते रहते और आपने तारीफ कर दी, तो वो फिर आप ही की सुनेगा, आप ही मानेगा, और तारीफ करने वालों को हर कोई सुनता है, हर कोई मानता है। दोस्तों सामने वाले की तारीफ का कोई भी मौका चुकिए ही मत, गलत भी नहीं करना है लेकिन सही। कई बार हमसे क्या होता है, बहुत बड़ी भूल होती है, सामने वाला अच्छा दिख गया हम उसकी तारीफ नहीं करते, उनका घर अच्छा है हम तारीफ नहीं करते,
उनके सोफे जिस पे हम बैठे हैं वो अच्छे हैं, तारीफ नहीं करते। उनके घर में सफाई है, हम तारीफ नहीं करते। उनके बातचीत की शैली अच्छी है, हम तारीफ नहीं करते। उनका सुनने का तरीका अच्छा है, हम तारीफ नहीं करते। उन्होंने हमें टाइम दिया, हम तारीफ नहीं करते। बैठने का मौका दिया, तारीफ नहीं करते। तो ये एक एक्सपर्ट बिजनेसमैन का तरीका नहीं। आप सामने वाले की तारीफ करने का कोई भी मौका चुकिए ही मत। जब भी किसी व्यक्ति के पास जा रहे हो ना, तो पहले दिमाग में रखिए कम से कम 10-20 तारीफ तो इस व्यक्ति की करनी ही करनी। हमारा ध्यान सिर्फ इस बात पे होता है कैसे ज्वाइन करेगा, कैसे ज्वाइन करेगा, कैसे ज्वाइन करेगा। मैं आपको बता दूं, हाँ करवाने की काबिलियत आपके अंदर आ गई ना, तो प्लान दिखा के आप आ जाइएगा ना। साल भर बाद भी यदि वो व्यक्ति ज्वाइन करेगा तो आपको ध्यान में रख के ही ज्वाइन करेगा, आपको याद करके ही ज्वाइन करेगा। तो आप सिर्फ प्लान की छाप छोड़ के मत आइए, आप अपनी भी छाप छोड़िए वहां। क्योंकि कई बार लोगों को प्लान पसंद नहीं आते हैं, व्यक्ति पसंद आ जाता है। प्लान पसंद नहीं आते हैं, संगत पसंद आ जाता है। और ऐसा होने से भी हम एक बेटर आउटपुट की तरफ, बेटर रिजल्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि एग्जाम में एक एग्जामिनर जब बच्चों की कॉपी को चेक करता है तो कई बार बच्चे गलत लिखते हैं, बावजूद इसके उसके बेटर हैंडराइटिंग की वजह से वो कुछ ना कुछ नंबर उनको देते हैं। क्योंकि लिखा तो इसने गलत है, लेकिन जिस खूबसूरती से लिखा है ना, जीरो करने की इच्छा कभी किसी की नहीं होती। बिल्कुल उसी तरीके से आपके बात उसके समझ में आए ना आए, आपके समझाने के तरीके यदि अच्छे रहेंगे ना, तो मतलब वो आपको समझेंगे। तो इसलिए कभी भी सामने वाले के साथ आप बैठिए तो तारीफ के मौके कभी मत चूकिए। सामने वाले को खाली करें तभी अपनी बात रखें। देन सामने वाले के प्यारी चीजों से प्यार करें। एक स्ट्रेटेजी आपकी हमेशा होनी चाहिए जब आप किसी व्यक्ति के सामने बैठे। कई बार हमसे चूक क्या हो जाती है, किसी व्यक्ति के घर में गए और हम प्लान दिखाना शुरू करें तभी उनका बच्चा आके उछल कूद करने लगा। अब जैसे उछल कूद करने लगा, एक अनमेच्योर व्यक्ति क्या बोलेगा, बेटे थोड़ा सा अभी थोड़ा हम और पापा जरूरी बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल भी नहीं। कई लोग तो मतलब इससे भी खतरनाक होते हैं, सीधे सीधे सामने वाले को बोल देते हैं कि सर थोड़ा देर के लिए बच्चे को घर में भेज दीजिए ताकि हम अपनी बातचीत को जारी रख सके। ये कर क्या रहे हैं आप, ये सुसाइड कर रहे हैं आप। उसे जिस चीज से प्यार है आप उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी तब जब वो व्यक्ति आपको सुनने मानने के लिए तैयार नहीं। हमेशा ध्यान रखिए, यदि किसी से हाँ करवाना है ना, तो उसकी प्यारी चीजों से आप प्यार कीजिए। वो बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है तो भी उससे प्यार कीजिए। आपके पॉकेट में यदि चॉकलेट है निकाल के दीजिए। बहुत इंटेलिजेंट है, वो जंप लगा रहा है, नो प्रॉब्लम। जंप सही तरीके से लगाना आता है उसकी इंटेलिजेंसी का, वहां पर तारीफ कीजिए। और ऐसा करते करते क्या होगा कि मतलब वो व्यक्ति आपकी आदतों से प्रभावित होना शुरू हो जाए, और उसी से आप जो डील है ना उसको 100% यस की तरफ लेके आगे मूव कर जाए। उसने कोई तस्वीर लगा रखी है या कोई पॉलिटिकल बात उसने छेड़ दी, मोदी जी नहीं पसंद है, अब आप अड़ गए वहीं पे कि ना तुम आदमी खराब हो या तुम्हारा दिमाग खराब है जो मोदी जी को पसंद नहीं करते। अरे वो मोदी जी को पसंद करे ना करे उससे आपका काम थोड़ी चलेगा। राहुल गांधी को पसंद करे ना करे उससे आपका काम थोड़ी चलेगा। उसकी पसंद को अपना बनाइए, तभी वो आपकी बात को सुनेंगे मानेंगे, नहीं तो वहीं पे क्लियर हो जाएगा यार इसकी विचारधारा अलग है हमारी विचारधारा अलग है। क्योंकि बच्चे जब कूद लगा रहे हैं वहां पे और उस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो सीधा सा मतलब है कि उसको उसके बच्चे की इस आदत से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको हो रही है, मतलब आपने साबित कर दिया कि आप उसके बच्चे को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी भी चीजों को पसंद नहीं करेगा। उसके पॉलिटिकल नेता को आप पसंद नहीं कर रहे हैं वो आपको पसंद नहीं करेगा। उसके विचारों से आप सहमत नहीं है वो आपको, अभी नोटबंदी को वो एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है उससे आपका क्या मतलब, जो वो बोल रहा है ना मान जाइए, दो बातें जोड़ के बोल दीजिए ताकि उसको लगे कि आप हमारे ही टाइप के आदमी हैं। तो सामने वाली चीजों के मतलब प्यारी चीजों से आप प्यार करें, चाहे वो उसके विचार हो, चाहे उसकी हैबिट्स हो, चाहे उनके जो भी चीजें हो। तो इससे क्या होगा, वो व्यक्ति आपसे घुलेगा मिलेगा और आपकी बातों को समझेगा। आत्मविश्वास से हमेशा बात करें, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आत्मविश्वास से बोली हुई बात सही होती है और लोग इसको सही मानते भी। गलत बोलना तो हमें सिखाया ही नहीं जाता है, लेकिन हम कई बार जितना बोलते भी है ना उसको आत्मविश्वास के साथ नहीं बोल पाते। तो ये कॉन्फिडेंस जो आता है वो नॉलेज से आता है दोस्तों, और प्रैक्टिस से आता है। तो ये दोनों जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ज्यादा आपकी आदतें बढ़ेंगी। लेकिन हाँ, किसी के सामने आप मरे मरे से बिल्कुल होके बात मत कीजिए, पूरे कॉन्फिडेंस से बात कीजिए। नो प्रॉब्लम, आपकी इनकम कितनी है,
मेरे से जब कोई पूछता था ना कि आप इस बिजनेस में क्या है, तो मैं बोलता था कि अभी मैंने शुरुआत करी है, लेकिन हाँ इस बिजनेस का करोड़पति मुझे बनना है, लाखों रुपए महीने मुझे कमाने हैं, इस बिजनेस में ये लेवल होते हैं जिनको मुझे अचीव करना है, और मैंने शुरुआत कर दी है। शुरुआत कहाँ से करी है? जीरो से शुरू होता है, लेकिन आज मैं 10,000 पे पहुंच गया हूँ, 20,000 पे पहुंच गया हूँ, पहले या दूसरे पायदान पे पहुंच गया हूँ। इतने कम महीनों में मैं धीरे धीरे और तेजी से आगे बढ़ूंगा, आप जैसे लोगों का साथ मिलेगा तो और भी तेज रफ्तार पकड़ेंगे, आप भी पहुंचेंगे, हम भी पहुंचेंगे, इस तरह से बात करते थे। तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर दोस्तों होना चाहिए, यही कॉन्फिडेंस, बिल्कुल इस बात की परवाह मत कीजिए कि इनकम और लेवल से ही आती है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत इनकम और लेवल वाले लोगों को आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस आती है प्रैक्टिस से। आपने सुना होगा ना, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, बिल्कुल उसी तरीके से कॉन्फिडेंस जो आता है वो प्रैक्टिस से आता है, और ये आप जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आएगा। लेकिन जब आप एक व्यक्ति के सामने बैठे या बोले तो आपके पास में कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए, लबालब भरे होने चाहिए कॉन्फिडेंस से, किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पूरी तैयारी के साथ आप एक व्यक्ति के सामने जाइए। एंड पॉइंट नंबर 10, जब भी मिले नमस्कार करे या हैंडशेक करे या आशीर्वाद जरूर ले उस व्यक्ति से, आते टाइम भी और जाते टाइम भी। ध्यान ये रखना है कि सारी जो चीजें हैं तीनों वो तौर तरीके बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए। आपने नमस्कार किया, वो बिजी है नहीं सुन पाए, तो इसका मतलब नहीं कि स्किप कर दीजिए, जब तक वो सुन नहीं लेते, देख नहीं देते, जवाब नहीं दे देते, आपको रिपीट करनी है चीज। हैंडशेक करने की जब बात हो तंदुरुस्ती से एकदम हाथ मिलाइए, मरे मरे से हाथ मत मिलाइए कभी भी, कि आपने अपने हाथ को उनका हाथ में डाल दिया वो पकड़ के घुमा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो जब आके आपको ट्रेनिंग मिलेगी तो और भी चीजों को आप सीखिएगा इन चीजों में, और मैं बताऊंगा आप लोगों को। कभी भी बैठ के हाथ मत मिलाइए, सामने वाला यदि बैठा भी है तो खड़े हो जाइए, परवाह मत कीजिए कि वो खड़े होते हैं या नहीं होते, लेकिन आप उनसे बैठ के हाथ मत मिलाइए या फिर बैठे बैठे हाथ मत मिलाइए। बड़े बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद जरूर लीजिए, आते टाइम भी जाते टाइम भी, चाहे आप उस बिजनेस के कितने भी बड़े लीडर क्यों ना हो, सामने वाला कितना भी साधारण व्यक्ति क्यों ना हो, यदि उम्र उस लायक है कि आपको आशीर्वाद लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। उसमें बिल्कुल कोई भी चीज आपकी ईगो पे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत ज्यादा फर्क डालती है दोस्तों, क्योंकि आपका बिजनेस कितना अच्छा है ये व्यक्ति तत्काल नहीं समझ पाता, आप कितने अच्छे हैं ये किसी के समझ में तत्काल आ जाती है। तो इन सब चीजों को कभी भी चुकिए मत, और इन सब चीजों पे यदि आप काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी जो है ना आपकी बढ़ती चली जाएगी, और रिजल्ट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ते चले जाएंगे। तो आगे हम आते हैं, ये तो हमने एक चीज सीखा कि हमें कैसे काम करना चाहिए या फिर हमें क्या क्या सीखना चाहिए, अब कैसे काम करना चाहिए उसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। तो देखिए, जब भी हम इस बिजनेस में काम की शुरुआत करते हैं तो एक चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है, और वो चीज क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक मिनट का आप टाइम मुझे दीजिएगा, मैं अपनी बात को आपके बीच में बताना चाहता हूं। हम करते तो ग्राहकों का बिजनेस है, पर फोकस हमारा ना कुछ चंद लोगों पे होता है। देखिए, ये मैं बात आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि जब स्पीड की बात आती है तो स्पीड तौर तरीके से ही आती है। आपने कई बार सड़कों पे सफर के दरमियान में देखा होगा कि मोपेड वाला व्यक्ति भी 70-80 की स्पीड में गाड़ी भगा लेता है, खराब और विदाउट मेंटेनेंस वाली गाड़ी भी धुआं फेंक रही है लेकिन इतनी स्पीड में वो भगा रहा है जिसका कि कोई हिसाब नहीं। मतलब आपको हंसी भी आती है उसकी स्पीड को देख के कि यार ये ऐसी गाड़ी को इतने तेज भगा रहा है, ये उसकी काबिलियत है, गाड़ी की काबिलियत नहीं है, ये उसकी काबिलियत है कि खराब गाड़ी को भी वो इतनी तेज भगा पा रहा है। लेकिन हमें से कई लोग अच्छी गाड़ी को भी तेज नहीं भगा पाते, तो इसका ये सीधा सीधा मतलब हो जाता है कि हमारे प्रयास में या नॉलेज में या फिर हैबिट्स में कहीं ना कहीं कुछ कमी है जिसको कि जितना जल्दी हम सुधार सके हमें सुधारना चाहिए। तो देखिए, हम करते तो ग्राहकों का बिजनेस है पर फोकस कुछ चंद लोगों पर टिका रहता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि हम रिजल्ट के ऊपर बहुत आगे तेजी से नहीं बढ़ पाते। तो देखिए, मोर कॉन्टेक्ट मोर बिजनेस, और आप अपनी टीम के जितने ज्यादा लोगों से जितने ज्यादा संपर्क में रहेंगे आप उतना ही बड़ा वॉल्यूम लेके आ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, स्क्रीन पे ये आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, क्या बताइए प्लान आरसीएम का मार्केटिंग प्लान किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। प्रोडक्ट किसके लिए बनते हैं? कंज्यूमर के लिए।
वॉल्यूम हमें ज्यादा से ज्यादा कौन देते हैं? कंज्यूमर, कंज्यूमर देते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूपी हो, डिस्प्ले वाल हो, पीयूसी हो, यहाँ पे ज्यादा कौन आता है? कंज्यूमर आते हैं। सेमिनार में ज्यादातर कौन आता है? कंज्यूमर ही आते हैं। और सिस्टम सबसे ज्यादा जिनके लिए काम कर रही होती है वो किनके लिए? तो कंज्यूमर के। तो हमारी सारी व्यवस्थाएं बनी है कंज्यूमर के, लेकिन हमारा फोकस किस पे होता है? एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग लीडर्स। मतलब हमें कंज्यूमर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए? लीडर्स चाहिए। तो वो आपको तय करना है कि आपको मतलब ज्यादा संख्या चाहिए, क्योंकि नेटवर्क में संख्या बहुत ज्यादा मायने रखती है, ऐसी मतलब बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और ये यदि क्वालिटी पीपल आपके टीम में आने लगे तो फिर उसका बहुत बड़ा फर्क दिखेगा। हम सिर्फ और सिर्फ 2-5 टीम लीडर्स के ऊपर फोकस रहते हैं, बावजूद इसके यदि आपको तेजी से बिजनेस बढ़ाना है तो ग्राहकों पे फोकस रहिए। यदि ग्राहकों पे आप फोकस हो गए तो अचानक से आप अपने बिजनेस को उतना बड़ा बूम दे सकते हैं, जो कि शायद, क्योंकि देखिए 40-50 लोगों की भी यदि आपकी टीम है तो मेरे हिसाब से आपके बिजनेस हर हाल में लाख से ऊपर की होनी चाहिए, हर हाल में लाख से ऊपर। क्योंकि 50 की टीम में यदि 5वीं डायमंड क्लब करते हो तो आपका और उनका मिला के 30,000 तो डायमंड क्लब का ही वॉल्यूम आ जाता है 50 की टीम में। अभी भी हमारे पास 46 बच्चे हुए और 46 लोगों को यदि कंसिस्टेंसी के साथ हम कॉल करते रहें, फॉलोअप करते रहें, तो उसका परिणाम क्या होगा? वो वॉल्यूम जो है सीधे सीधे 1,00,000 में कन्वर्ट हो सकता है। किसी की खरीदारी 1,000 रुपए पे जा सकती है, किसी की 2,000 पे जा सकती है, किसी की कहीं जा सकती है, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करते? हम सिर्फ फोकस रहते हैं कहाँ पे? लीडर्स पे फोकस रहते हैं। तो देखिए कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस में आप यदि कंज्यूमर को इग्नोर करेंगे तो तय मानिए कि आप अपनी रफ्तार को कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। आज आप देखिए अजीत सर को डायमंड क्लब को प्रोजेक्ट किया, ये चाहते तो रॉयल्टी और लीडरशिप अचीवर के साथ भी इस मीटिंग को रख सकते थे, लेकिन इनका फोकस कहाँ गया? क्वालिटी पीपल के ऊपर। बिल्कुल उसी तरीके से हमारी अभी शुरुआत हुई है, बहुत बड़ी टीम हमारे पास में नहीं है, तो हमारी क्वालिटी पीपल वही है जिनकी खरीदारी हुई, हमारे लिए क्वालिटी पीपल वही है जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया, हमारे लिए क्वालिटी पीपल वही है जो ज्वाइनिंग करके खरीदारी से भी बाहर हो चुके। हम क्या करते हैं? जो बाहर हो गए उनको छोड़ देते हैं, ये कमाल। आप ये बताइए, आप अपने घर में कई बार, मैं क्या एग्जांपल आपको दूं, हालांकि ये गलत होगा लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि तुरंत दिमाग में कोई बात आती नहीं। जैसे आप कोई प्यारा सा पप्पी लेके आते हैं अपने घर में और वो ना बार बार घर से भाग जाए, आपने उसे ना बहुत मेहनत करके लाया, काफी दूर जाके दुकानदार से परिचित किया, काफी वैल्यू आपने उसकी चुकाई है, और आप उसे लेके मतलब घर में आते हैं वो भाग जाता है, घर में लेके आते भाग जाते हैं, क्या करते? छोड़ देते उसको, जाते बाहर ही ना, या वापस पकड़ के खोज के ले आते हैं। तो जब हम छोटे से छोटे जानवर के प्रति इतना ज्यादा संवेदनशील हैं, तो हमारे नेटवर्क में तो कोई जानवर नहीं है, सबके सब इंसान हैं, और सबके सब अपने पत्नी के प्यारे पति हैं, अपने बच्चों के प्यारे पिता हैं, अपने पिता के अच्छे बच्चे हैं। याद रखिए, आपके लिए वो मायने रखते हों या ना रखते हों, लेकिन वो लोग अपने परिवार को चला रहे हैं, वो अपने परिवार को चला रहे हैं, परिवार चलाने के साथ साथ समाज में भी वो कुछ ना कुछ चीजों का ध्यान रख ही रहे हैं, और ऐसे लोगों को हम इग्नोर कर देते हैं। मत कीजिए इग्नोर, आप किसी भी लेवल पे हैं, तरक्की चाहिए तेज गति से, याद रखिएगा। आज जिन 5 लोगों को आपने खड़ा किया है वो आपने ही किया है, तो ऐसे 50 लोगों को भी आप और खड़ा कर सकते हैं यदि आपने पूरे नेटवर्क को फोकस कर दिया तो। मोर कॉन्टेक्ट, हमेशा याद रखिए, मोर कॉन्टेक्ट मोर बिजनेस, मोर कनेक्शन विथ योर टीम, इस पॉलिसी पे आपको काम करना है। मोर कॉन्टेक्ट एंड मोर कनेक्शन, मोर कनेक्शन विथ योर टीम। कनेक्शन हम चंद लोगों से बनाएंगे तो रफ्तार भी चंद लोगों वाली। आप सोचेंगे कि यार मुझे सुजीत सर वाली पिन चाहिए, तो आप देखिए सुजीत सर कितने लोगों से संपर्क में रहते हैं। आप सोचिएगा अजीत सर वाली चाहिए, देखिए अजीत सर कितने लोगों के संपर्क में रहते हैं। जैसे आप में से किन्हीं डायमंड क्लब का के पास में, जैसे मैं आपसे पूछूं
आप में से कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनका अभी मतलब शुरुआत का ही 2-4 महीना हुआ है लेकिन अजीत सर उनसे बातचीत करते हैं, प्लीज अपने हाथ को खड़ा करके बताएंगे आप यदि आप में से कोई ऐसे व्यक्ति होंगे या डायमंड क्लब करने की वजह से वो आपसे बात करते हैं तो प्लीज अपने हाथ को खड़ा कीजिए। क्या मेरी आवाज गई आप लोगों तक? रंजीत सर किरे ने हाथ खड़ा किया हो तो आप एक बार उनका माइक ऑन करवाइए। हाँ गोल्ड राकेश कुमार जी, ओके चलिए कोई बात नहीं। और मैं और जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं फुल स्क्रीन पे नहीं हूँ, अच्छा शायद आप लोग भी नहीं होंगे, सॉरी वीडियो ऑन कर सर। गिरीश 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 करके है कोई, उन्होंने हाथ उठाया सर। चले गिरीश जी को अनम्यूट कर सकते हैं क्या? गिरीश सर, सर आपका अभी बिजनेस कितना है सर? जी सर मेरा बिजनेस जेआर सिंह सर। मेरा बिजनेस सर 28,000 सर। 28,000 ओके थैंक यू सर। जी सर अब क्या एक एग्जांपल मैं आप सभी साथियों को देता हूँ, क्या आप सोचिए कि जिन व्यक्ति का बिजनेस 1 करोड़ के आसपास रन करता हो वो यदि 28,000 में किसी व्यक्ति को कांटेक्ट करते हैं तो मैं कैलकुलेटर से थोड़ा चेक करता हूँ। ओ, लगभग 3600 हिस्सा, समझिए आप। देखिए ये लीडरशिप क्वालिटी होती है दोस्तों, मैं जो चीज समझाना चाहता हूं, यानी अजीत सर अपने बिजनेस के 3600 हिस्से तक भी कांटेक्ट में रहते हैं। तो इस हिसाब से यदि एक व्यक्ति का बिजनेस 20,000 हो और इसको हम 3600 से भागा देते हैं तो आपका 5.5 रुपए का भी यदि कोई बिजनेस करता है ना तो आपको उसके कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। और यही चीज कहीं ना कहीं हमें बहुत तेज गति से आगे भी ले जाती है, बहुत मतलब हमारे रफ्तार को भी रोक के रख देती है। तो मोर कॉन्टेक्ट एंड मोर कनेक्शन, ये नेटवर्क में बहुत तेज गति से आगे बढ़ने का बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। ये आप मतलब जितना ज्यादा कर सके ना उतना ज्यादा आपको करना चाहिए और मतलब पूरे डेडिकेशन के साथ कीजिए। देन हमारा ज्यादा फोकस कहाँ रहना चाहिए? कंज्यूमर एंड लीडर। तो मैं इसी चीज के ऊपर आपसे अभी बात कर रहा था कि कार्य का नियम यही कहता है कि जिस काम से ज्यादा लोग को लाभ मिल सके हमें उस काम को करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम सपोर्टिव पर्सन हैं, आप लीडर्स हैं, आपके पास में एक नॉलेज है, क्वालिटी है, सब कुछ है, आपके पास में सॉल्यूशंस हैं, तो ये सॉल्यूशन 5-7 लोगों के बीच तक ही पहुंचना चाहिए या फिर 200-500 लोगों तक पहुंचना चाहिए? मैक्सिमम आप देख रहे होंगे पिक्चर में हेल्प, जितने भी हाथ दिख जाए ना आपको खड़े होते हुए उन सभी लोगों तक आप अपनी मदद पहुंचाएगी, और नहीं भी दिखे तो भी हाथ खड़ा करवाने की आदत लगा दीजिए और हेल्प करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री आपको कामयाब कैसे बनाती है और रफ्तार कैसे देती है आगे मैं उस मुद्दे पे आने वाला हूं दोस्तों। और वो रफ्तार यदि आपको चाहिए तो ये पिक्चर बड़े ध्यान से आप देखिए, बड़े ध्यान से। भविष्य में बड़ा करने का सबसे आसान रास्ता है लोगों को कामयाब होने में उनकी मदद करें, आपके पास बड़ी कामयाबी अपने आप आ जाए। ये येलो सर्किल में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? May I help you? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? जी हाँ, ये येलो सर्किल में कुछ लिखा हुआ नहीं है बल्कि एक लीडर है जो हर किसी से यही बोलता है कि May I help you? और जो लीडर इस लाइन को याद रखते हैं, जो लीडर सबसे ज्यादा बार अपनी जिंदगी में इस लाइन को दोहराते हैं अपने लोगों के साथ कि मे आई हेल्प यू, उन लीडर की संभावना इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बड़ी होती है। जितना ज्यादा मदद करने वाले आप होंगे और पहल करने के साथ साथ जितनी ज्यादा आप मदद करेंगे लोगों की, आप उतना ही तेज गति से आगे बढ़ पाएंगे इस बिजनेस में। तख्ता लगा लीजिए यहां पे मैं हेल्प यू, मतलब एक ब्रांड बन जाइए, सॉल्यूशन ब्रांड।
लोगों को पता चल जाए कि आपके पास जाने से तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो ही जाएगा, भले किसी के पास जाने से हो या ना हो। और ये तब हो पाता है जब आप लीड करके लोगों को ये बोलते हैं कि मैं आई हेल्प यू। जरा सोचिए कि आप अपने आपके टीम में 100 200 500 कंज्यूमर हैं, कितने कंज्यूमर को आप अपने टीम के फोन करके बोलते हैं मैं आई हेल्प यू। नहीं बोल पाते। हम आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन तरीके गलत इस्तेमाल कर लिए। और यदि इस मैं आई हेल्प यू के फार्मूले को आपने पकड़ लिया, चैलेंज करता हूं चैलेंज कि पिछले जितने साल आप काम किए होंगे ना उतने महीने में पिछले काम से आगे निकल जाए। ये सफायर आपको बोल रहा है, याद रखिए। और मैं कोई भी बात यूं नहीं बोलता हूं, बड़ी तसल्ली से सोचता हूं, मनन करता हूं, मंथन करता हूं, तब कोई बात मैं आपको बोलता हूं। आप में से कोई भी लीडर हो, किसी भी लेवल पे हो, लेवल वो 5000 का वॉल्यूम हो आपका या 50 लाख का वॉल्यूम हो आपका, यदि आपने इस चीज की आदत डाल ली और ज्यादा से ज्यादा डाल ली ना, आपके नेटवर्क की ग्रोथ कोई रोक ही नहीं सकता। आपके टीम में लीडरों की संख्या बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। आपके टीम में बिजनेस एसोसिएशन बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। आपके टीम में डायमंड क्लब आने से कोई रोक ही नहीं सकता। आपके टीम में खरीदारी अच्छी होने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन करना है, करवाना नहीं। ये याद रखना है कि ये मे आई हेल्प यू आपको करना है, प्रोवाइड नहीं कराना है कि ठीक है मैं रॉयल्टी अचीवर को बोल देता हूँ, वाइटल अचीवर को बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ, उसको बोल देता हूँ, वो सोल्यूशन निकाल देंगे। ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। ये काम तभी चलेगा जब ये डायरेक्टली। तो इस छोटे से पिक्चर को आप अपने जेहन में बिठा लीजिए कि जितना बड़ा सर्विस प्रोवाइडर बनिएगा उतना ही बेटर रिजल्ट आप इस बिजनेस में गेन कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये इंडस्ट्री कस्टमर सपोर्ट का इंडस्ट्री है, याद रखिए। इसमें आप जितना ज्यादा महारत हासिल करके रखेंगे, आज आप किसी भी लीडर्स को देख लीजिए, वो आगे बढ़े हैं तो वजह सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट ही तो है। आज उनके दिए हुए सपोर्ट की वजह से लोग इस बिजनेस में टिक गए, उनके दिए हुए सपोर्ट की वजह से लोग इस बिजनेस को समझ गए, उनके दिए हुए सपोर्ट की वजह से उनका कोई ना कोई स्टेशन खड़ा हो गया, उनके दिए हुए सपोर्ट से कोई ना कोई व्यक्ति इस बिजनेस का अचीवर बन गया, उनके दिए हुए सपोर्ट की वजह से एक आम व्यक्ति भी नॉलेजफुल व्यक्ति हो गया, जो कि आज प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, प्रॉपर मीटिंग लेते हैं, प्रॉपर प्लान दिखाते हैं, प्रॉपर बिजनेस में ज्वाइन कराते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपकी जिंदगी में हुई। कब हुई, क्यों हुई? कस्टमर सपोर्ट के फार्मूले की वजह से हुई, क्योंकि ऐसा कोई लीडर आपके जिंदगी में आया होगा जिसने आपको मदद करना शुरू किया होगा, सपोर्ट करना शुरू किया होगा, जिसकी वजह से आज ये स्थिति होगी। तो जब हमारे चंद लोगों को सपोर्ट करने से जब रिजल्ट ऐसे होते हैं, तो ये सपोर्ट हम मैक्सिमम लोगों तक क्यों ना पहुंचाए। और इसकी वजह से जो फर्क पड़ता है वो क्या पड़ता है वो आपको देखना कि कस्टमर सपोर्ट से आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं। आप लोगों को मदद किए बिना उनको अपना कभी नहीं बना सकते। आज हम लोगों का एक परिवार है। आज अजीत सर हो, रंजीत सर हो, इरोज सर हो, अशोक सर हो, गहलोत सर हो, जीतन जी हो, भरत जी हो, कैलाश जी हो, जो भी हो, मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ वो नाराज मत होइएगा, मतलब चाहे वो अरविंद गुप्ता जी हो, चाहे डॉक्टर साहब हो, आप देखिए कि आज वो मुझे कितना मानते हैं, मैं उनको कितना मानता हूं। क्या हम लोग एक रिश्तेदार हैं क्या? बिल्कुल नहीं। किसी एक मोहल्ले में रहने वाले हैं क्या? नहीं। मैं यहाँ हूं, कोई नागपुर में है, कोई चंदौली में है, कोई मुंबई में है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, पता ही नहीं चलता। बावजूद हम लोग एक है। क्यों है? क्योंकि बिना आपके मदद के किसी को आप अपना नहीं बना सकते। और लोगों को यदि अपना बनाना है तो उनकी हेल्प करना सीख जाइए, उनको सपोर्ट करना सीख। पॉइंट नंबर टू, मदद करने से आपके प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत होता है। बिजनेस में भरोसा कितना है वो हम बाद में देखेंगे, हमारे में भरोसा लोगों का कितना है वो हमें सबसे पहले देखना है। और वो तब आ पाता है जब हम लोगों को मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और लोग हमारे पे कितना भरोसा करेंगे वो ये चीज तय करेगी कि हमारी मदद की सीमा उनके लिए कितने खुली रहती है, मदद के दरवाजे हमारे उनके लिए कितने खुले रहते हैं। आप आज उनकी मदद करेंगे तो कल वो आपकी मदद करेंगे। भाई आज अजीत सर मेरी मदद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, रंजीत सर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं घर में
आराम भी कर रहा होता हूँ, ये लोग मीटिंग कर रहे होते हैं, तो इनडायरेक्टली वो हेल्प हुआ या नहीं हुआ। आज मैं कभी बनारस में होता हूँ, कभी अजीत सर खाना लेके आ जाते हैं, कभी रोज सर खाना नागपुर में लेके, कभी डॉक्टर साहब खाना लेके आ जाते हैं, अशोक सर के यहाँ, बहुत सारे लोगों के यहाँ, मतलब कोई रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाता है, मैं यदि गुजर भी रहा होता हूँ, लोग मिलने कुछ ना कुछ लेके आ जाते हैं, तो ये क्यों, जब आप किसी की मदद करेंगे तो लोग आपकी मदद करेंगे। तो ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा कि आपका किया हुआ हेल्प कभी भी बेकार नहीं जाता। इस बिजनेस में आप मजबूती से बड़ा लीडर बनना चाहते हैं तो हेल्पिंग लीडर बनिए, ऑटोमेटिकली आप बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। लोग बिजनेस को बाद में समझते हैं, पहले आपको समझते हैं। ये बिजनेस कितना अच्छा है इसको दुनिया बाद में समझेगी, पहले वो आपको समझेगी, अपने टीम को समझेगी कि हम कैसे टीम में हैं, मतलब वो टीम हेल्प करती है या नहीं करती है, वो व्यक्ति हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं। और यदि आप हेल्पिंग एटीट्यूड वाले व्यक्ति हैं, हेल्पिंग नेचर वाले व्यक्ति हैं, तो लोगों को बड़ी खुशी मिलती है इससे कि यार मैं सही जगह पे आया हूँ। तो मदद करने के बहुत फायदे हैं दोस्तों। आगे यदि बात करें, मदद करके आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि कई बार लोगों के दिमाग में बिजनेस छोड़ने की भी बात आती है, लेकिन आपको छोड़ने की बात नहीं आती है, क्योंकि इतने ज्यादा भूले मिले आप होते हैं, इतने ज्यादा हेल्प उन्होंने आपको किया हुआ होता है कि मतलब आप ये डिसीजन ले ही नहीं पाते। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ, आज देखिए रंजीत सर नागपुर में रहे, कस्टमर सपोर्ट यानी कस्टमर केयर उन्होंने खोल के रखा, आज मतलब नागपुर के, मतलब मुझे लगता है कि जितने भी एक्टिव इफेक्टिव वर्किंग लीडर्स हैं, सबके सब उनके संपर्क में, हीरो सर के संपर्क में, क्यों, कस्टमर सपोर्ट, उन्होंने वो सर्विस दी है जिसकी वजह से लोग डायरेक्टली उनसे जुड़े। तो इससे क्या होता है कि आपको अचानक से अपने बिजनेस को बड़ा करने का एक शानदार मौका मिलता है। लोगों को अपने साथ जोड़ना ये सबसे बड़ा फैक्टर है, यदि आपने ये काम कर लिया फिर सारे के सारे काम आपके हो गए। लोग आपसे जुड़ेंगे ही नहीं तो वो ना कभी आपकी सुनेंगे, ना कभी आपकी मानेंगे, ना कभी आपकी देखेंगे। मदद करने से लोग आपका अच्छा प्रमोशन भी करेंगे। जी हाँ, पब्लिसिटी नेटवर्क इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चीज होती है। आप यदि फेमस है तो आपकी तरक्की दिन दुना रात चौगुना होती है, फिर आसानी से लोग आपकी बात को सुनते भी हैं, मानते भी हैं, समझते भी। और वो कब होता है, जब आप हेल्पिंग एटीट्यूड वाले व्यक्ति होते हैं, जब आप हेल्पिंग नेचर वाले व्यक्ति होते हैं, तो क्या लोग आपकी प्रमोशन करते हैं, यार बड़ा बढ़िया बंदा है, कोई भी काम तो ईमानदारी से मुझे प्रोडक्ट पहुंचा देते हैं, किसी को प्लान दिखाना हो दिखा देते हैं, किसी से मिलना हो जाके मिल लेते हैं। मतलब ये क्या है, एक मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है जो कि आपको दिल से करना है, दिमाग से नहीं करना। मदद आपको कभी भी दिमाग से नहीं करना, दिल से करना है हमेशा। फिर भी इसके जो फायदे हैं वो तो मिलेंगे, और इसके इमोशनल फायदे भी हैं, प्रोफेशनल फायदे भी। इसलिए मैं आपको बताऊं, हाँ, नेटवर्क में कभी पैसे से मदद मत कीजिएगा किसी की, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक व्यक्ति को खत्म करना होगा ना, तब वो जिसके जितना पैसा डिमांड करता है उसको दे दीजिए, पैसे से बिल्कुल उसकी कोई हेल्प मत कीजिए। बाकी नेटवर्क की सिस्टम जितनी चीजें फॉलो कर रही होती है उसको आप जरूर कीजिए, इससे आपको एक बेटर प्रमोशन मिलेगा, जन जन तक आप पहुंचेंगे, और हर व्यक्ति, अरे अजीत सर क्या कमाल के व्यक्ति है, किसी की समस्या लेके आप पहुंचे, समाधान होता ही होता है उनके पास में। तब मदद किया था उन्होंने, अब किया मदद किया उन्होंने, तो ये क्या होता है, जब आपकी पब्लिसिटी नेचर के साथ में होती है ना, तो इसका बड़ा फायदा फ्यूचर में आप सभी लोगों को मिलता है दोस्तों। आपको अच्छा समझकर वो अपने लोगों से भी आपको मिलवाएंगे। देखिए, एक व्यक्ति जब ये जान जाता है ना कि सामने वाला व्यक्ति बहुत बढ़िया है, तो वो अपने लोगों से खुल के आपको मिलवाते हैं। और जब तक ये नहीं लगेगा, सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन रहेगा ना, तो ना कोई अपने मामा से मिलाएगा, ना कोई चाचा से, मतलब वो अपने परिवार में आपको इन्वॉल्व ही नहीं मिलेगा कभी। तो आप हेल्प करके उनके अच्छे से अच्छे लोगों से मिल भी सकते हैं, और उनको भी अपने साथ ला सकते हैं इस बिजनेस में। तो ये कब होगा, जब आप हेल्प करेंगे। तो अच्छा समझकर लोग आपसे अपने लोगों को मैक्सिमम मिलवाना शुरू कर देंगे, देन मदद करने के कारण लोगों में आपकी स्वीकार्यता जो है ना वो बढ़ती चली जाती। आप जिनको जितना ज्यादा मदद किए होंगे, देखिए लॉ मतलब ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है, बावजूद इसके जिनको जितना ज्यादा हेल्प किए होंगे, आज उनमें से बहुत ज्यादा जो फॉलोवर है ना, वही लोग आपके होंगे जिनको आपने ज्यादा मदद करी। हालांकि कुछ लोग यहाँ भी होते हैं कि कितना भी हेल्प कर दीजिए, लेकिन वो आपके मानते नहीं है, सुनते नहीं है, या फिर भविष्य में ना मानते हैं ना सुनते हैं, बावजूद इसके परवाह किए बिना, क्योंकि ये काम करने से ही ये परिणाम हमारे पास में आए हैं। तो मतलब आपकी स्वीकार्यता जो है ना वो टीम में बढ़ती चली जाती है, लोग आपको सुनना मानना पसंद करना, मतलब आपके दीवाने होते चले जाते हैं। तो लोग आपके दीवाने कब होंगे, जब आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करेंगे। आपको जल्दी अच्छी और ज्यादा बड़ी लोकप्रियता मिलती है दोस्तों इससे,
क्योंकि पब्लिसिटी करने वाले सिर्फ आप नहीं होते हैं, आपकी पब्लिसिटी करने वाले आपके फॉलोअर्स भी होते हैं, आपके फैंस भी होते हैं। तो इसलिए कस्टमर सपोर्ट आपको कभी भी माइनस में नहीं ले जाता, ये हर हमेशा आपको प्लस में ले जाता है। आप लगातार अपने दायरे को बढ़ाते जाइएगा, आपका दायरा बढ़ता चला जाएगा, आपकी पब्लिसिटी बढ़ती चली जाती है। आप नागपुर में काम करके हटिएगा, लोग नागपुर में आपके जाने के बाद आपका नाम लेंगे। चंदौली में काम करके हटिए, वहां से हटने के बाद भी आपका नाम घूमेगा वहां पे। आप गुजरात में काम कीजिए, महाराष्ट्र में काम कीजिए, आप बिहार में काम कीजिए, झारखंड में काम कीजिए, कहीं भी आप काम करके हट जाएंगे, वो खुशबू जो होती है ना एक हेल्पिंग लीडर की, वो एक अगरबत्ती की जैसी होती है, जो जलने के कई घंटे बाद भी उस वातावरण को खुशबूदार बनाए रहता है। बिल्कुल उसी तरीके से आप यदि हेल्पिंग एटीट्यूड वाले व्यक्ति है ना, तो आपके किसी जगह से काम करने के बाद भी आपकी डिमांड या फिर आपकी पब्लिसिटी वहां पे होती रहती है। तो इसलिए मतलब आपको कस्टमर सपोर्ट बनना है, देन मदद करने के कारण जो डिमांड आपकी बढ़ेगी वो आपके वॉल्यूम को बढ़ा देगा, क्योंकि लोकप्रियता बहुत बड़ी चीज होती है। इससे क्या होगा, जब आप लोकप्रिय होंगे आपका डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, इस तरह का ग्लास यदि हमारे सामने आ गया, पानी डाल सकते हैं नहीं डाल सकते, इसे आराम से डाल सकते हैं। कोई व्यक्ति सुनने को तैयार हो गया तो सुनाने के कंटेंट हमारे पास में है, तरीके हमारे पास में, फिर वो हमारा मानने लगेंगे, सुनने लगेंगे, अच्छे तरीके से इस बिजनेस को करने लगेंगे, तो इसका आउटपुट जो है ना वो बहुत ही शानदार हम लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ जो ध्यान रखना है दोस्तों कि ये दोनों काम एक साथ और हमेशा करते रहे, वो काम कौन से है, डेवलप योरसेल्फ एंड डेवलप अदर, दोनों में से किसी एक पर ही फोकस कभी ना करें। ये मैं तेज गति से आगे बढ़ने की बात आप लोगों को बता, डेवलपमेंट का काम चाहे वो खुद के अंदर हो चाहे टीम के अंदर, वो हमेशा करते रहिए। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब भी आप किसी से मिले, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो मिलेंगे ना, यार आप ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, आप तोड़ देंगे फोड़ देंगे, रिकॉर्ड बनाने के लिए आप बनेंगे, ठीक है मान लिया, लेकिन जब भी आप एक नए व्यक्ति से मिले, यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड याद रखिए, ये दोनों काम हमेशा करते रहना है, खुद को भी डेवलप करना है और दूसरों को भी डेवलप करना है। एप्रिसिएशन ही सब कुछ नहीं, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, आप जब भी किसी से मिलिए ये तीन क्वेश्चन याद रखिए, वो आपको अपने लोगों से पूछना ही पूछना है। व्हेन यू मीट विद न्यू मेंबर्स, जब भी आप नए आदमी से मिलिए, अपने टीम के नए ज्वाइन किए हुए लोगों से, पहली बात पूछिए उनसे, आपको क्या बताया गया है इस बिजनेस के विषय में, रिटेल के विषय में, प्रोग्राम के विषय में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के विषय में, जो उस वक्त की मांग आपको दिखे आप स्पष्ट पूछिए आपको क्या बताया गया। दूसरा, आपने क्या समझा, और तीसरा, आपको क्या समझना चाहिए, क्योंकि शुरुआती दिनों में यदि इस फॉर्मूले पे आप काम नहीं करेंगे, अब आपने फॉलो कर लिया अजीत सर को कि वो सेमिनार लेके बाहर निकले, लोग पूछे कि सर क्या करना चाहिए, लगे रहिए टिके रहिए, उन्होंने बोला कि हाफ ए मिनट बोलना है, 10 से 20 सेकंड में बोलना है, बाकी जो बोलना था वो स्पीड में उन्होंने बोल दिया। लेकिन आप जब नए लोगों से मिलते हैं तो नए लोगों पे काम करने के, उनको खड़ा करने के, बिल्ड करने के अलग कंसेप्ट होते हैं दोस्तों। आप चेक तो कीजिए भाई, आपका बच्चा स्कूल जाता है, आप वापस आने पे चेक करते हैं नहीं करते क्या पढ़ा या क्या नहीं पढ़ा, क्योंकि दिमाग में बात रहती है कि ऐसा तो नहीं कि स्कूल जा ही रहा है केवल और पढ़ाई लिखाई इसकी कुछ हो ही नहीं, ट्यूशन पढ़ रहा है लेकिन कुछ जाना ही नहीं इसने, तो हमारे नेटवर्क में भी हमारी ये थोड़ी सी दखल अंदाजी यहाँ पे बनती है कि हम हमारे लोगों से पूछे कि आपने, आपको क्या बताया गया है, पता चला कि बताना क्या था, बता के लोग क्या चले गए, समझना क्या था, समझ के लोग क्या बैठे हुए, क्या उनको समझना चाहिए आज भी उनको पता नहीं है। तो जब भी आप काम कीजिए हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, एक आदत डेवलप करनी कि किसी से मिलेगा ना कुछ तो उसको सिखाई दे, भाई आज के बाद ये आदत बन जानी चाहिए, जब भी हम हमारे डाउनलाइन के साथ मिले एक ना एक बात तो हमें सिखाई देनी। और वो कब कर पाएंगे, वो तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि उन्होंने क्या समझा है या फिर क्या नहीं समझा है। ये आदत से बचिए कि जब भी आप अपने टीम के नए सदस्य से मिले तो सिर्फ मोटिवेट करें, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, भाई उसकी पर्सनल प्रॉब्लम क्या है, वो कितना जानता है कितना नहीं जानता है। आप देखे होंगे कहीं भी रिक्रूटमेंट होती है किसी भी
इंडस्ट्रियल जोन में या गवर्नमेंट जॉब में कहीं भी होती है, एग्जाम लिया जाता है या नहीं लिया जाता, पात्रता देखी जाती है। तो हमें पात्रता इसलिए देखनी है क्योंकि हमें डेवलप करना है किसी को, हमें पता ही नहीं कि हमारे टंकी में कितना फ्यूल डालना है। तो आप बताइए, आंख बंद करके यदि बड़ी हुई टंकी में 5 लीटर डाल दे तो वो कहाँ जाएगा, नीचे ही जाएगा। तो वैसा ही कुछ होता है जब हम नए लोगों से मिलते हैं, उनको पता ही नहीं कि उनको क्या चाहिए और ना ही हमको पता है कि उनको क्या चाहिए, बस एक दवा दे दी है कि मोटिवेट रहे, ये मतलब काम। वो गांव में हमने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर को देखा हुआ है कि जिनको इलाज करने नहीं आता है ना, उनके पास कोई भी आवे तो कोई एक ऐसी दवा पकड़ा देते हैं जो ना फायदा करती है जो ना नुकसान करती। डॉक्टर भी कुछ 2 पैसे की कमाई हो गई, पेशेंट भी कुछ, कैसे ही हमको भेजा नहीं, कुछ ना कुछ हमें दे ही दिया। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, जब भी अपनी टीम से मिलिए, एक आदत बनाइए, उनको आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ सिखाई देना, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सिखाई देना, उनको डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ सिखाई देना, और ये आदत रहेगी तो वही आप इस बिजनेस में बहुत तेज गति से, क्योंकि देखिए जिस जगह पे आप हैं उस जगह के वर्किंग कंसेप्ट को पकड़ के आपको रखना है। अपने लोगों को आगे बढ़ने के तरीके जरूर बताएं, सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। देन बात आती है डायमंड क्लब की, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि आज की जो मेरी मीटिंग भी थी यूट्यूब पे पड़ी होगी, आप लोग उसको देख सकते हैं, डायमंड क्लब से रिलेटेड ही। हालांकि जो ट्रेनिंग मैंने आपको दी है उसका बहुत ही थोड़ा सा पार्ट मैंने वहां पे कवर किया था, क्योंकि समय की बाध्यता थी और भी बहुत सारी चीजों को कवर करना था। तो डायमंड क्लब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों, और इसको सिर्फ करना नहीं, करवाना भी है। याद रखिए, नेटवर्क में जो काम हम करते हैं उस काम को हमें टीम में डुप्लीकेट भी करना चाहिए, जिससे कि हमारी और हमारे बिजनेस की रफ्तार मजबूत हो सके। तो डायमंड क्लब का जितना भी ज्यादा प्रमोशन करें उतना कम है, और डायमंड क्लब पे हमें तेज गति से आगे क्यों बढ़ना चाहिए ये चीज जरूर समझिए। आपके कौन कौन से साथी कर सकते हैं डायमंड क्लब, ये आज के बाद जीवन में कभी मत सोचिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। आपके कौन कौन से साथी डायमंड क्लब कर सकते हैं ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना। आपके कौन कौन से साथी डायमंड क्लब अभी भी नहीं कर रहे हैं, इस चीज पे फोकस लिए, क्योंकि सारा पंगा हम यहीं पे खड़ा कर लेते हैं जब ये सोच लेते हैं कि कौन कौन कर रहे हैं और कौन कौन कर सकते हैं। हम पहले ही मैं पूछता हूँ कि कौन नहीं कर सकते, जिसके पास पैसे नहीं उनको तो और ज्यादा ये काम करना चाहिए, क्योंकि ये तो उनके और ज्यादा जरूरत बन जाती है, उनको और बड़ी कामयाबी चाहिए, उनको और ज्यादा पैसे चाहिए। तो खैर इसके ऊपर मैं ज्यादा बात करूंगा। क्या आप नहीं चाहते कि ऐसा सर्टिफिकेट आपकी भी शोभा बढ़ाए, आपके घर के भी शोभा बढ़ाए? और ये तो तब होगा ना, ये देखिए रेस्पेक्टेड डीसी सर का सिग्नेचर मिलेगा आपको यहाँ पे, सर्टिफिकेट जो कि आपकी वैल्यू को बढ़ाता है। यार स्कूल कॉलेज में कभी कुछ मिला ना मिला, अब कम से कम एक शुरुआत करते हैं कि घर को अवार्ड और रिवार्ड से भर देते हैं, और ये तब होगा जब एक मजबूत माइंडसेट के साथ आरसीएम में काम करना शुरू करेंगे। और ये क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि देखिए छोटी सी चीज है, सेल्स की जब भी बात आती है ना तो हमें से 90% लोग सिकुड़ जाते हैं वहां, यार होगा नहीं होगा ये वो बहुत सारी चीजें। तो मैं अगली बार आपको सेल्स ट्रेनिंग ही दूंगा कंप्लीट। पहली चीज, इज इट राइट और रॉन्ग, क्या ये सही है या गलत है, इसी से उभरिए आप, क्योंकि 90% जो लोग रुके हैं ना वो यहीं पे रुके हुए हैं कि यार ये सेल्स सही भी है या गलत है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, रॉन्ग इज रॉन्ग, गलत गलत है, इवन इफ एवरीवन इज डूइंग इट, चाहे सारे के सारे लोग इस काम को क्यों ना करते, यदि काम गलत है मतलब गलत है, बट राइट इज राइट, इवन इफ नो वन इज डूइंग इट, बिल्कुल क्लियर। देखिए गलत काम गलत ही है, चाहे पूरी दुनिया उसको क्यों ना करे, लेकिन सही काम तब भी सही है जब उसको एक व्यक्ति भी कर रहा हो, हमेशा याद रखिए। ऑलवेज रिमेंबर, गलत तब भी गलत रहता है जब पूरी दुनिया उसको कर रही होती है, और सही तब भी सही रहता है जब एक व्यक्ति भी उस काम को कर रहे हो। और सेल्स के विषय में आप क्या जानते हैं, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर बिजनेसमैन और बिजनेस ट्रेनर अपनी जिंदगी की शुरुआती दौर में सेल्समैन ही किए थे। बड़े से बड़े, ये जितनी किताबें आप देख रहे हैं ना, मैक्सिमम 90% आपको मिलेंगे जिन्होंने घर घर जाके सामान बेचा। शिव खेरा की बात करें, प्रमोद बत्रा की बात करें, विजय बत्रा की बात करें, नेक्स्ट जनरेशन को यदि आप छोड़ दीजिए तो पहली जनरेशन जो रही, आप धीरू भाई अंबानी की बात कर लीजिए,
आप एमडीएच कंपनी के मालिक की बात कर लीजिए, आप निर्मा कंपनी के मालिक की बात कर लीजिए, वेलस्पन कंपनी की बात कर लीजिए जो गुजरात की मतलब लीडिंग कंपनी, अदानी की बात कर लीजिए, सहारा की बात कर लीजिए, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके डायरेक्टर साइकिल पे घूम के या मोटरसाइकिल पे घूम घूम के सेल्स नहीं करते। सारे लोगों ने अपनी जिंदगी की शुरुआत यहीं से करी है दोस्तों। नेक्स्ट जनरेशन जो उनकी आई है ना, वो फिर डायरेक्ट करोड़ों अरबों से गेम खेलना शुरू करते हैं, लेकिन शुरुआती सभी लोगों ने जो काम किए वो बेसिक चीजों से ही शुरू किए। तो ऐसे में मैं बार बार आपको बोलूं कि एक आदमी भी यदि सही करता है ना तो वो सही सही है, ऐसा नहीं कि दुनिया उसको नहीं करती है तो वो गलत है। दुनिया जाए भार में, आपने बार बार सुना हो, वो गलत कर रही है तो क्या हम भी गलत करेंगे? वो हाथ में हाथ रख के बैठी है तो हम भी हाथ में हाथ रखें? किसी सदी की अपॉर्चुनिटी को उन्होंने नहीं समझा है, क्या हम भी नहीं समझेंगे? समझेंगे, किस्मत वाले हैं, समझ चुके हैं, और जब समझ चुके हैं तो रुकना नहीं है, अपने आप को रोकना नहीं है, तेज गति से यहाँ पे आगे बढ़ना है। सेल्स दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, क्यों? क्योंकि हर सफल व्यक्ति एक सेल्समैन है। वो तभी सफल है जब वो अपने आप को बेचना जानता है। यदि आपको बेचना नहीं आता है तो क्या हो, लोग आपको बेच दें। जी हाँ, आप अपनी मार्केटिंग नहीं करेंगे, लोग आपकी मार्केटिंग करेंगे। आज आप में से कई लोग दूसरों की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और वो अपने प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, वो आपको बेच रहे हैं, आपके खून पसीने को बेच रहे हैं। जो सामान बनाया वो किसने बनाया, आपने बनाया। तैयार किसने किया, आपने किया। रॉ मटेरियल किसने तैयार किया, आपने तैयार किया। मैन्युफैक्चरिंग किसने करी, आपने करी। बेच रहे वो क्यों, क्योंकि लीडिंग प्लेटफॉर्म पे कभी आप नहीं आते, वहां आपको शर्म आती है, लेकिन आपके कंपनी के मालिक को शर्म नहीं आती। लीडिंग प्लेटफॉर्म पे आप कभी नहीं आते, वहां आपको शर्म आती है, लेकिन एक बिजनेसमैन को कभी शर्म नहीं आती। वो दुकान में आसानी से उसी सामान को बेच रहा होता है जिसे बेचने में आपको तकलीफ होती है। आप जाके जी हजूरी करेंगे, सलाम ठोकेंगे, उधार मांगेंगे उसी से, लेकिन उसकी आदतों को कॉपी कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे ये लगता है कि ज्यादा लोग इस काम को नहीं करते। सिंपल सी चीज है, यदि आपको बेचना नहीं आता तो लोग आपको बेचेंगे। ऑलवेज रिमेंबर एंड ऑलवेज प्रिपेयर, आप हमेशा तैयार रहिएगा कि आप अपने आप को बेचना नहीं सीखिएगा, लोग आपको बेचते हैं। हमेशा याद रखिए, हर कोई बेचता है, कौन नहीं बेचता अपने आप। आपको जो नौकरी मिली है वो आपकी उम्र को देख के मिली है, आपके चेहरे को देख के मिली है, आपकी क्वालिटी को देख के मिली है, एक्सपीरियंस को देख के मिली, बट नेचुरल क्वालिटी और एक्सपीरियंस को देख के मिली है। शादी तक आपकी तब होगी जब कुछ दिखेगा सामने वाले को आपके अंदर, वहां भी मार्केटिंग काम कर रही है। ऐसे कुछ भी नहीं होता। एक टीचर को उतनी सैलरी मिलती है जितने के लायक वो है, एक मैनेजर को उतनी सैलरी मिलती है जितने के लायक वो है, एक व्यक्ति को उतनी ही बड़ी नौकरी मिलती है जितने के लायक वो है, और हर कोई अपने समय को बेच रहा है। नौकरी करने वाले टाइम बेचते हैं, बिजनेस करने वाले लोग टाइम बेचते हैं, क्वालिटी बेचते हैं, टैलेंट बेचते हैं, तब जाके आपके पास में पैसे आते हैं। तो टाइम, क्वालिटी, टैलेंट ये बेचना प्रोडक्ट बेचने से ज्यादा मुश्किल काम है, आसान नहीं है। और इस नाते मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि सेल्स में कभी भी घबराइए मत। इसमें जितने ज्यादा स्ट्रांगली आप काम करेंगे उतना ही बेटर रिजल्ट आपके पास में। दुनिया में जो बेच नहीं पाता है ना उसकी कोई पूछ नहीं है। व्यापारी भी अपने आप को बेच पाने में सफल होता है तभी उसको 2 रुपए का नोट मिलता है। तो लोगों को यदि एहसास हो गया ना कि मतलब भिखारी नहीं है तो उसको कोई पैसे नहीं देता। बिल्कुल उसी तरीके से ये स्किल का चीज है, ये विल का चीज है, ये फ्यूचर का चीज है। इसको जितना आप स्ट्रांगली करें उतना बेटर आपके साथ में होगा। बेचना दुनिया के सबसे सफलतम कामों में से एक है। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े काम है ना उसमें नंबर वन माना जाता है सेल्स इंडस्ट्री। तो इसलिए इस इंडस्ट्री में जितना स्ट्रांगली पार्टिसिपेट कर सके आपको करना चाहिए, और ये यूं ही नहीं करना चाहिए बल्कि एक मजबूत माइंडसेट के साथ आपको इस काम को करना चाहिए। एंड ओवरऑल फाइनली मैं आता हूँ, सेट योर गोल व्हाट यू वांट। आरसी में जब आ गए हैं ना तो बिल्कुल सेट कर लीजिए किस लिए आए हैं और क्या क्या चाहिए, क्योंकि ये डिसाइडेड नहीं होगा आपका तो फिर आप जैसे तैसे काम करते रहेंगे। जब आप इस बिजनेस में आ ही गए तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितने नंबर पे बने रहने के लिए आए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, जीवन में कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं ये बताइए। क्या किसी ऐसे स्टूडेंट को आप जानते हैं जिसको कि कोई मंजिल हासिल नहीं करनी हो उसके बाद भी पढ़ाई करता हो? नहीं, नहीं।
बिल्कुल उसी तरीके से, जब तक आपके गोल डिसाइडेड नहीं होंगे इस बिजनेस में, कि आप इस बिजनेस को चुने क्यों, इस बिजनेस में क्यों डायमंड क्लब आप कर रहे, इस बिजनेस में और भी लोगों को डायमंड क्लब में क्यों लाना चाहिए, और भी लोगों को ज्वाइन क्यों कराना चाहिए, खूब मीटिंगें क्यों करनी चाहिए, अपने आप को डेवलप क्यों करना है, क्यों ज्यादा से ज्यादा सीखना है, ये जब तक डिसाइड नहीं करेंगे तब तक आप इस बिजनेस में तेज गति से आगे नहीं बढ़ सकते। और वो तब हो पाएगा जब ये आप बिल्कुल क्लियर करेंगे कि आखिर आपने इस बिजनेस से कौन सा लक्ष्य हासिल करना है। ये जब आप तय करेंगे तो ये बहुत बड़े परिणाम की तरफ आप सारे के सारे लोग आगे बढ़ेंगे। तो एट फर्स्ट डिसाइड योर गोल, आपको अपना गोल डिसाइड करना होगा कि आप कौन से पायदान पे आना चाहते हैं, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, तब उसके हिसाब से आपकी, आप बताइए कितने ऐसे एथलीट होंगे जो कि पांच नंबर पे आने की तैयारी में कई साल से प्रयास कर रहे होंगे, आई थिंक कोई भी नहीं, सबकी ख्वाहिश यही होती है कि हम एक नंबर पे आए, भले ही हमसे बड़ी तैयारी वाला हमसे आगे निकल जाए। तो यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस लक्ष्य के साथ आप इस बिजनेस में आए हैं ना, उसको हर हमेशा याद रखिए, उसके लिए किसी को ड्यूटी पे मत लगाइए कि कोई आएगा जगाएगा तब आपकी अंतरात्मा जागेगी और तब आप काम करना शुरू करें। काम क्या है, सोच हमारी कैसी होनी चाहिए, टारगेट हमारा कैसे। देखिए एक ही संकल्प और एक ही नारा, पूरे हिंदुस्तान में हो बिजनेस हमारा, ये मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी, आप सोचिए 10,000 से ज्यादा पीयूसी के ऊपर एक एक कस्टमर आपके, यदि 1,000 बिजनेस वॉल्यूम के खड़े हो जाए तो टर्नओवर कितना हो जाए, करोड़ों में कर रही है, करोड़ों में, यदि एक दुकान पे एक ग्राहक भी आपने खड़ा कर दिया। लेकिन ये कब होगा, जब कश्मीर से कन्याकुमारी आपको दिखेगा, कच्छ से लेके काजीरंगा तक आपको दिखेगा, यहाँ तो हम पड़ोसी को ही नहीं संभाल पाते, तो देश को क्या खाक संभालेंगे। बड़ा बनना है तो सोच बड़ी होनी चाहिए, ये मैप आपके घर में होना चाहिए, रिमार्क टिक लगाते रहिए हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ आप और आपका बिजनेस पहुंचा। हमें से आधे लोग तो अभी कई जगह का नाम भी नहीं जानते होंगे, जाने की तो बात ही छोड़ी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ गए या नहीं गए, हमारा बिजनेस वहां जाना चाहिए, और इस बिजनेस में वो क्षमता है जो कि कहीं भी हमें पहुंचा सकता है और हमारे दायरे को कितना भी बड़ा करा सकता है। तो ऑलवेज जब आपको इस बिजनेस में काम करना है तो एक माइंड सेट तो हमेशा होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को कवर करना, क्योंकि यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो माइंड सेट भी आपका करोड़पति जैसा ही होना चाहिए। छोटी मोटी सोच और छोटी मोटी मानसिकता आपकी नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखिए। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि नेवर गिव अप, ये हमारा कमिटमेंट इस बिजनेस में काम करने में। ऐसा नहीं कि आज किसी ने कुछ समझा दिया समझ गए, कल किसी ने कुछ समझा, आ गए हैं तो यार टिकना है, आ गए हैं तो लगना है, और आ गए हैं तो अपने आप को साबित भी करना है, नेवर गिव अप, तभी जाके हमारे पास में एक बड़ी सक्सेस आएगी। और ये स्लोगन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये रिकॉर्ड से रिलेटेड है। और यहाँ पे एक बड़ा ही शानदार वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, बड़े ध्यान से आप लोग देखने की कोशिश कीजिए। राज्य खुश है, क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, बहुत लंबा दंगल चलेगा रे, तो अखबार में लिखते हैं आप कई सालों से पहाड़ तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं, अपना कब्र खोद रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, कहा कहे कि ताजमहल बना रहे हैं, अरे आप तो बिगड़ गए, लोग कहता हम पागल हैं, जिंदगी खराब कर रहा है, आप अपना टाइम खराब मत करिए, जब तक कि टूटेगा नहीं बहुत भारी काम ले लिए, ठीक है टूट जाए तो बताइएगा,
आपका फोटो छाप देंगे अखबार बड़े हिमायती बन रहे हैं। आइए यानी हाथ लगवाइए आइए। क्या हाल चाल दशरथ भाई? शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। बात बताइए कि दुनिया में इतना सारा काम है वो सब छोड़ छाड़ के आपको पहाड़ तोड़ने का काम मिला है? भाई अपना अपना हुनर है। आप पढ़ाई लिखाई करते हैं हम पहाड़ तोड़ते हैं। और इतना ताकत कहां से लाते हैं? ये प्रेम है। पहले अपने जोरों से था अभी पहाड़ से है। इतना बड़ा बात आप इतना आसानी से बोल दिए। अरे हमें देखिए सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे नेताओं का तल्ला बन के रहे अपने आप से खीना था तो अपना अखबार काहे नहीं छापते थे? अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ तोड़े से भी मुश्किल है था। और लास्टली थैंक यू बोलना चाहूंगा आप सभी लोगों को बड़े पेशेंस के साथ। आपको सर धन्यवाद सर शानदार। और यही है कि जब तक दौड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आरसीएम जब करना शुरू करेंगे बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात करेंगे बहुत मजाक बनाएंगे बहुत समझाएंगे लेकिन एक चीज हमें मुझे आज भी याद है कि जब मैं करोड़पति बनने की बात लोगों से करता था लोग मुझे समझाते थे कि नहीं हो सकता तो मैं उन्हीं से पूछता था कि मुझे करोड़पति बनने का तरीका बता। वो चुप हो जाते थे। तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है तो वो बता। दुनिया चुप हो जाती थी दोस्तों। और कल को मेरे कल आपके लाइफ में तभी होगा जब कुछ बढ़िया माइंडसेट के साथ आप बढ़िया काम करने की शुरुआत करेंगे। तो बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जय आरसीएम। और अगेन ओवर टू अजीत सर। थैंक यू जय आरसीएम सर। और मैं क्या बताऊं सर आज